पीछे हो ना चिपक गया। फिरौती के लिए कर रहे थे डॉक्टर का अपहरण। हथियार के साथ दो गिरफ्तार। गूगल से डॉक्टर प्रधान की सर्च कर ली थी जानकारी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत गोलमुरी चौक के पास मंगलवार देर शाम अपराधियों ने डॉक्टर आर प्रधान के अपहरण का प्रयास किया। हालांकि डॉक्टर प्रधान द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे और दोनों अपराधियों को धर दबोचा। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई, जहां दोनों ने पूछताछ की गई। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और रविशंकर सिंह रिश्ते में ममेरे भाई लगते हैं और बेगूसराय में रहते हैं। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद किया है। दोनों 27 दिसंबर को ही जमशेदपुर आए थे। एसएसपी ने बताया कि पहले तो दोनों ने पुलिस को काफी गुमराह किया, पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अशोक ने पुलिस को बताया कि गूगल पर डॉक्टर प्रधान की सर्च कर उनकी जानकारी हासिल की गई थी। इसके बाद डॉक्टर प्रधान का अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया गया था। दो दिनों तक रेकी भी की गई थी। मंगलवार को अपहरण करने ही वाले थे कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। एसएसपी ने बताया कि अशोक परसुड़ी थाना से अवैध शराब बेचने के मामले में और रविशंकर मोकामा से डकैती के मामले में जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखण्ड। देखिए, कल रात्रि 8 बजे गुलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहाँ के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहाँ पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहाँ पर दो अपराधकर्मी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे, इसमें वो शोर मचाया गया चिकित्सक के द्वारा और स्थानीय जनता की सहयोग से और स्थानीय पुलिस की तत्परता से तुरंत ही उन दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह, ये दो व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में चिकित्सक के बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 124 दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जब इन दोनों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो जो अशोक कुमार सिंह है वो उसके विरुद्ध जो है परसुडी से एक एक्साइज एक्ट के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है, और जो दूसरा व्यक्ति रविशंकर सिंह है वो एक मोकामा से डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। और भी मामले हो सकते हैं जिस संदर्भ में तफ्तीश की जा रही है, इसमें और कोई शामिल था या नहीं था इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। उसको रिमांड पे लेकर के और सघनता से पूछताछ की जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। डॉक्टर और इन लोगों के बीच में पहले से कुछ ऐसे विवाद था या कुछ ऐसे? इस प्रकार की इनके द्वारा शुरुआत में अगर अनुसंधान की बात करें या पूछताछ की बात करें तो दिग्भ्रमित करने का पुलिस को लगातार प्रयास किया गया। पहले अपना घर कहीं और बताया गया, फिर जब पुलिस वहाँ सत्यापन करने के लिए गई तो फिर कोई और स्थान बताया गया, कोई और पता उनके द्वारा बताया गया। तो एक प्रकार से लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। पहले ये भी बताने का प्रयास किया गया कि चूंकि उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार के कार्रवाई की गई है, लेकिन अंततः उनके द्वारा जो है एक तरीके से कन्फेस किया गया है। बाकी अभी जाँच चल रही है। इस संदर्भ में जब ये बात भी सामने आई कि किस प्रकार से ये डिटेल मिला या किस प्रकार से टारगेट किया गया, तो जो इनके नेट हिस्ट्री से भी मालूम चलता है इन्होंने गूगल मतलब नेट के माध्यम से सर्च किया और सर्च के माध्यम से डॉक्टर्स का एक तरीके से स्कैन करके ये निकाला और उसके बाद उन्होंने ये तरीके से अपराध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के दौरान ही ये उनसे कोई विवाद नहीं था पर्सनली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।